तो जी हम चल दिए हैं समुद्र देव के दर्शन के लिए। हम भी चल दिए और सब चल दिए। सब चल दिए। हाँ, ये भी गार्डन है, बहुत अच्छा। शाम को घूमेंगे इसमें। अभी हम जा रहे हैं जुहू बीच। ये पवई तालाब है। ये बात हमने सुनी थी कि भी मुंबई में अमिता बच्चन का घर है, उसके लिए कैसे खड़े, जैसे दर्शन करने के लिए खड़े भैया। इतनी देर में अगर भगवान की तपस्या कर लेना, देवता राजी हो जाए, धरती पे आ जाए भगवान। है ये हाल है। अमिताभ बच्चन के पीछे और वो पैसे के पीछे। इतनी पब्लिक खड़ी करने में दो चार मिनट रुकना तो चाहिए उसको। थोड़ी में आएगा चला जाएगा। ये चीज तो उसकी बीवी में भी है। उसकी बीवी तो दिल्ली के अंदर इतना एटीट्यूड दिखाती है, संसद के अंदर सब उसको जानते हैं उसका एटीट्यूड कैसा है। बहुत घमंडी है उसकी बीवी, बहुत घमंडी। हाँ हाँ, बहुत चिढ़ गई थी, कह रहे हैं तुम अमिताभ बच्चन का नाम क्यों ले रहे हैं मेरे साथ। हाँ बहू का, उसका ऐश्वर्या राय का डिवोर्स हो गया। चलो समुद्र किनारे बैठ के गम मनाते हैं ऐश्वर्या राय का। ये आ गए हम जुहू चौपाटी। समुद्र देवता के दर्शन, अमिताभ बच्चन के बंगले के दर्शन, लोग ऐसे खड़े हुए जैसे कि भंडारा हो रहा है। अरे इतनी देर तुम किसी अगर भगवान की तपस्या कर लो ना, उस वो राजी हो जाए, वो धरती पे आके ना वरदान दे दे भगवान, देख लो। और वो लोग इनकी तरफ देखते तक नहीं है, इनको भेड़ बकरी समझते हैं लोग। चलो कोई नहीं, खैर अपन आगे समुद्र किनारे समुद्र देव के दर्शन कराते हैं आपको। नहीं बनाते क्या जी? बेर ले लो, लेना है बेर। छोटा वाला ले लो। वाह, बड़ा करंट वाला है ना। करंट सा के खट्टा खट्टा खाके। ओ जी, मुंबई का जुहू बीच पर अमरूद, साथ में अबरक, इसको अबरक बोलते हैं। तुम क्या बोलते इसको? पेरू। पेरू? इसको क्या बोलते? पेरू। और इसको स्टार फूड, हमारे यहाँ इसको बोलते हैं अबरक। अबरक और इसको अमरूद। ये देखो जी समुद्र देव, यहाँ पर सारी वो वाटर एक्टिविटीज ज्यादा होती है ना। चाहिए को यहाँ गंगा किनारा। हाँ। ऐसे समुद्र किनारा, इससे ज़्यादा भीड़ तो हमारे मिलेगा। पूरा वहां से लेकर वहां तक पूरा भरा हुआ है। अभी दरअसल ना ठंडी ठंडी हवा आ रही है, ठंडी ठंडी हवा। मैंने वो लेके नहीं आया, बिछाने का बैठ सकते आराम से। हम ऐसे बैठ जाएंगे, कपड़े गंदे तो होंगे, क्या होगा। छोड़ के मम्मी जो है वो नहीं केमिकल लगाते हैं, हम करते हैं ऐसे चाय पत्ती शक्कर से बनता है। हाँ, वो हमको सूट नहीं करता है, दाने निकल जाते हैं बाद में।
अभी ट्राई करके देखो। अरे नहीं भाई, दाने निकलवाने तुम है ना। जुहू बीच का ये क्या है? फूड कोर्ट। क्या खाना है, क्या पीना है? वहाँ पहले सैंपल देने का, उसके बाद सैंपल में खुद ठीक है, अब डन, कल आएंगे। परफेक्ट है। चलो जुहू चौपाटी जो बोल रखते हैं, मैं खा लेता। काम होने में कितना समय हो गया है? अरे घड़ी कहाँ है भाई, वक्त ही चला गया हमारा। अरे हमने वक्त को बंद कर दिया है। भैया काला खट्टा खाने की तैयारी है। देखो मिक्स एक्सीडेंट हो गया। उसके लिक्विड पीना पड़ेगा जल्दी से। गोला एंजॉय करते हुए ये मिक्स वाला। पक्की रेत है। ये वैसे वाली रेत नहीं है, इसे स्लिप ही नहीं हो रहे। इस वाले पे स्लिप तो उसमें भी नहीं हो रहे थे, तो वो पैरों में आ रही थी ना। नहीं जी, बॉटल किसका पड़ेगा डायरेक्ट। अरे क्या बात कर रहे हैं भाई साहब, नहीं जी कोई जरूरत नहीं। बस। ज़्यादा भीतर की ओर मत जाना भाई। बस। हाँ बात। ये है मुंबई की चकाचौन। ये वही एरिया है जहाँ पर मूवीज में जो दिखाते थे ना, गुंडे भाग रहे हैं, हीरो हीरोइन अपना शूट कर रहे हैं। शूटिंग एरिया ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा शूट भी यही होता है। देखो और ये फोटो शूट हो रहा है भाई। वाह जी वाह, बड़ा क्रिस्टल क्लियर पानी है भाई। वाह। गजब। अरे हमारा देखो एक नंबर फोटोग्राफी है। ओ भैया हम भी पकड़ेंगे सूरज। थोड़ा सा नीचे रह गया, थोड़ा ऊपर उड़ गया सूरज। कोई बात नहीं, उठने दो। दोबारा पकड़ते नहीं। तुम छोटे पड़ गए, ज़्यादा पीछे मत निकल जाना, दूसरा कोरिया वोरियर चले जाओगे यहाँ से। या भाविया के बीच में निकलोगे सीधा। तो जी बहुत आनंद उठा रहे हैं समुद्र देव के सामने। और अभी हमने श्रीकाकुलम का बीच दिखाया, अब ये है जुहू बीच। कैसा लग रहा है? बहुत मज़ा, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। और अभी ज़्यादा कुछ नहीं है, अभी देखते हैं और क्या क्या देखते हैं यहाँ पर। बहुत देर से बैठे हुए मंडरा रहे हैं चारों तरफ।
समुद्र के बीच में जा रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं, फिर बीच में जा रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं, बस उसके बाद अलावा वैसे कुछ नहीं है। मैं क्या यहाँ नारियल वाली लेके भैया अगरबत्ती अगरबत्ती लगा के वो पूजा पाठ करनी शुरू करे हैं। देख लो जी कितना विशाल समुद्र है। एक्चुअली में यहाँ ना बहुत समतल ज़मीन है, यहाँ बहुत अंदर तक लोग नहा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला बीच सेफ है एक्चुअली। हाँ जो है ना नीचे है ना पकड़ बन रही है। हाँ ये नीचे पकड़ है, इसलिए कोई है ना डर वाली बात नहीं है कि पैर स्लिप होगा कुछ होगा। हाँ आराम से वॉक कर सकते हैं। तो जी आनंद आ गए हैं, वसूल हो गए पैसे, खर्चा वसूल हुआ यहाँ का। और देखो वो हवाई जहाज उड़ रहा है। भाई देखो समुद्र देव के दर्शन करने के बाद में सनसेट की तैयारी चल रही है और यहाँ आ गया नारियल पानी। मतलब कहते हैं ना कि वाह आनंदम आनंदम अति आनंदम। इसका टेस्ट अलग है, जो भाविया के यहाँ पिया था उसका टेस्ट अलग है। नारियल नारियल का भी फर्क है ना। हाँ नारियल नारियल का फर्क है। मुंबई का नारियल है, वो आंध्र का नारियल था। पर वहाँ का जो था ज्यादा मीठा था। हाँ वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं। इधर की जो सप्लाई वो केरला साइड की होगी। मैं तो दो दो पाइप लगा के पी। इस्कॉन टेंपल वाले आगे भाई, हरे कृष्णा करते हुए। ये देखो इस्कॉन टेंपल का जरूर। इस्कॉन टेंपल के दर्शन कराते हैं। और ये इस्कॉन का आनंद Thank you.
इस्कॉन टेम्पल के हो गए हैं दर्शन और उसके बाद विदा लेते हैं, विदा लेते हैं। और ये देखो कितना सुंदर है, यहीं से विदा लेते हैं और मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तो राधे राधे, राधे राधे, राधे।